ठीक नहीं लग रहा। वो क्या हो सकता है कोवाल्स्की? कुछ कह नहीं सकता स्किपर, कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्या? क्या वो मुंबई हो सकता है? नहीं, ऐसा कैसे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुंबई मेरे जू के क्लॉक टावर से उल्टा लटका हुआ है? अब मैं क्या? क्योंकि अगर पूरा का पूरा मुंबई अपनी जगह से निकलकर यहाँ आ गया होता तो हर तरफ हाहाकार मचा होता। ठीक है, शायद ये कुछ भी नहीं हो सकता। माफ करना दोस्तों, किसी अनजान बात का सामना करते हुए मैं ऐसे ताने मार देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई भी उसके बारे में नहीं जानता स्किपर। वो यहाँ रात को अचानक ही कहीं से आ गया और... ठीक है साथियों, हमें एक अनजान खतरे से निपटना है। मुझे जवाब चाहिए। सारे जवाब हमें साइंस में मिलेंगे। चलो साइंस, मेरी नाक मत कटवा देना। ओए, लकड़ी किसने मारी? मुझे भी मारना आता है, समझे कि नहीं? तुम क्या एक टॉर्चर? स्किपर, ये बड़ी मक्खी का छत्ता है। तुमने बिल्कुल सही पहचाना, इसका तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। देता हूँ एक टोचन। शांत हो जाओ मिस्टर टोचन, हम कोई मुसीबत नहीं चाहते। हम तो बस पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ। नॉक नॉक, कौन है? तुम्हें टोचन देने वाला। रुक जाओ, अब बहुत हो गया। यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क भी है, तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए शांति भरी जगह ढूंढ लेंगे। ये बच्चों का जू है, यहाँ पर बच्चे आते हैं। फिकर नॉट, मैं उन्हें एक टोचन दूंगा, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। वो मिस्टर टोचन, मेरे जू के बच्चों को कोई धमका नहीं सकता। चुपचाप अपना टोचन लेकर यहाँ से निकलो। अपने बाकी सारे टोचनों के साथ बात कम, टोचन ज्यादा। ठीक है, पहली बार था इसलिए हम तैयार नहीं थे। उनका सामना करने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं था। ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये सही नहीं है। हम पेंगुइन्स हैं, वो कीड़े हैं। हम उनसे कितने बड़े हैं? बस स्किपर, उनके पास उनका वो टोचन है। टोचन? डर झेले बिना हम उनका वो छत्ता हटा नहीं पाएंगे। कोवाल्स्की, ऐसा कुछ है जिससे हमें दर्द ना हो? अब दर्द को दर्द होगा स्किपर, मैंने अभी अभी एक दर्द मिटाने वाला हेलमेट बनाया है। अब तुम देखोगे इसका न्यूरॉन इनहिबिटिंग मैट्रिक्स मुझे पूरी तरह बचाएगा किसी भी तरह के दर्द या... ये काम नहीं कर रहा, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, ये सिर्फ सपने में मुमकिन है। कोई पागल ही होगा जिसे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। लगता है मेरा मैंगो यहाँ गिर। लेने के देने तुम यहाँ हो मैंगो। नो दर्द, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। क्या मैं मधुमक्खियों से बात करूं? बड़ी मक्खियों से सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, इस काम को पूरा करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उन्हें गले लगाकर हम चाहते हैं कि तुम वहां ऊपर जाकर उन मक्खियों के छत्ते को निकाल दो। फिर मैं मधुमक्खियों के साथ खेलूं? बड़ी मक्खियां। क्यों हीरो, और टोचन चाहिए क्या? शायद सचमुच चाहिए। इस बार ऐसा टोचन दूंगा, मम्मी नानी दादी सब याद आ जाएंगे। वापस चलो। टोचन, 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 टोचन। मुझ पर तो डिजाइन बन गया। कोई फायदा नहीं स्किपर, मॉट को कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या ये वेफर मशीन है? नहीं, ये एक फ्यूजन इंसिनरेटर। इस सारे से बबल्स बनते हैं। ये कुछ समझता ही नहीं। यही तो। सही कहा। क्या हुआ? अगर मैं सही हूँ, मैं तो हमेशा सही होता हूँ, तो ये दिमाग की एनर्जी पढ़ने वाले गॉगल्स सच बता देंगे। हाँ, मौत एक अनजान बनाए रखने वाली परछाई से घिरा हुआ है। उसे पता ही नहीं वो खतरे में है, इसलिए उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। किसी को तो ये रोकना चाहिए ना। कुछ तो जल रहा है। माना तुम सही हो कोवाल्स्की, पर इससे बड़ी मक्खी के छत्ते को क्या होगा? तुम समझे नहीं स्किपर, अगर हम अपने दिमाग से हर दर्द वाली बात को पूरी तरह मिटा दें, तो हमें भी मौत की तरह बिल्कुल दर्द नहीं होगा। बहुत अच्छे,
पर हमें ऐसी मशीन कहाँ मिलेगी जो हमारे दिमाग से ये सारी बातें मिटा दे। मैंने कहा था ना, सारे जवाब हमें साइंस में ही मिलेंगे। दोस्तों, मैं पेश करता हूँ द डीगाउजर। एक इलेक्ट्रोमैग्नो झटका हमारे दिमाग को मौत के दिमाग की तरह ब्लैंक कर देगा, फिर हमें दर्द महसूस नहीं होगा। क्या इसमें कोई खतरा है? बड़ा मामूली सा ही खतरा है, पर डरो नहीं। छत्ता निकालने वाला काम हो जाने तक तुम्हारे दिमाग का सारा पावर इस कार्डबोर्ड बॉक्स में स्टोर हो जाएगा। प्राइवेट मिशन के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो इसे आजमाएं। प्राइवेट तुम ठीक तो हो ना? कैसा लग रहा है? देखो, मेरे ग्लव्स लाओ। क्या वो आइसक्रीम मशीन है? मुझे आइसक्रीम पसंद है। गुदगुदी होती है। अरे वाह, हम कामयाब हो गए। अब हमें इसे उस बड़ी मक्खियों के छत्ते की तरफ भेजना है। और प्यारी चमचम चमकीली मशीन। नहीं डीगाउज़र, रख दो। मैं एक डिस्को पेंगुइन हूँ। हेलो, अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो, चलो मुझे स्कूल बस दिख रही है। स्कूल बस, आज तुम सबको टॉर्चर देके सुझा डालेंगे। मधुमक्खियों से दोस्ती किया नहीं? मधुमक्खियाँ ये। वो देखो वो आ रहे हैं। आज तो उनको टोचन देने में बड़ा मजा आएगा भाई। अब तुम लोग वापस क्यों आए हो? उनको फिर से टोचन चाहिए होगा इसलिए। हाँ तो फिर दे देते हैं ना। चलो दो उनको टोचन। मैंने साबुन खाया। अरे इन्हें तो टोचन लग ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारा टोचन खराब है। ताना क्यों मारता है? तुम्हें आज तक टोचन मारना आया ही नहीं। मुझे रोना आ रहा है। अरे अरे, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। आई ये कब से सबने क्या टोचन टोचन लगा रखा है? पूरी तरह शाही पैर। क्या मेरे शाही पैर? शाही पैर ये क्या? जाने दो, बच्चों को टोचन देते हैं। वो शाही पैर मेरे हैं और मैं अब तुम सब से बदला लूंगा। ठीक है, मैं अभी आया। अरे छोड़ो मेरे शाही पैर को। मैं तुम्हारी किसी खास चीज को गले लगाऊं तो? हाँ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे इस डिब्बे को गले लगाऊं तो? यादें लौट रही हैं। कुछ यादें रिको की भी आ गई हैं। कितनी भयानक है। स्किपर, वो बच्चे। की, वो उन बच्चों पर अपने ढंग से हमला करने वाले हैं। स्किपर, अब हम क्या करें? हम मनजान बनाए रखने वाली परछाई के बिना उन्हें रोक नहीं पाएंगे। मधुमक्खियाँ आई हैं। दरअसल वो मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। अब तक मेरे पास उनके मजेदार शहद का नजराना पहुँचा क्यों नहीं? मैं शहद ले आता हूँ। मौत नहीं, वो बड़ी मक्खियाँ हैं। दर्द भरी चीखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। टोचन अटैक। हमारा छत्ता। क्या सब हो गया? हेलो मधुमक्खियाँ, तुमने शहद कहाँ छोड़ा है? मुझे उसे राजा जुलियन को देकर खुश करना है। हमारा छत्ता सब बर्बाद हो गया। भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। ये उसने कर दिया। उसने अकेले ही ये काम कर दिखाया।
सचमुच हम चाहे तो भी उसकी तरह सारे काम कभी नहीं कर पाएंगे। ओ, वापस आओ मधुमक्खियाँ। मॉर्ट, मैंने इससे घटिया शहद आज तक कभी नहीं खाया। मुझे थोड़ा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, लालची कहेंगे ये सिर्फ राजा के लिए है। कितना गंदा है।